अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको आपकी बुक साप्रसंग व्याख्या से पार्ट नंबर एक पढ़ाया था। आज मैं आपको उसी बुक में पार्ट नंबर दो पढ़ा रही हूँ, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई क्या होती है? जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं पैसा, वो होती है मेहनत की कमाई। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एक बच्चा है, अमीर बाप का बच्चा, तो वो उसको उसकी माँ और बहन पैसे दे देती है तो वो उसको यूज़ करता है, उड़ा देता है पैसों को। लेकिन जब वो खुद से मेहनत करता है तो उसको फिर एहसास होता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था, काम करने की उसकी आदत न थी। मतलब निर्लज मतलब कुछ भी काम नहीं करता था, वो आलसी था। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। मतलब उसने कुछ कमाया नहीं, माँ के पास गया और माँ से कहा मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया, उसने एक रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया, मतलब बाप जान गया कि ये कमा कर नहीं लाया, ये किसी अपनी माँ से मांग करके लाया है। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर एक रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर एक रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। अब आप ये सोचेंगे कि वो कुएं में क्यों फेंकवा रहा था पैसे? जब आप आगे लेसन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। लड़के ने वैसा ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, सुबह। जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। अब उसके बाप ने क्या करा, पहले अपनी बीवी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया और फिर बेटे से जाकर के कहा कि जा अब कुछ कमा करके ला, वरना तुझे रात को खाना नहीं दूंगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला ना था। मतलब उसको कोई पुचकारने वाला नहीं था कि क्या बात हो गई। विवश होकर संध्या के समय वे उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वे थककर चूर हो गया, उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था, मेहनत करी थी उसने। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया, मतलब गुस्सा आ गया। वे बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं कि इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। क्या समझ गया वो? कि अब इसने जो कमाया है वो मेहनत से कमाया है। अभी तक जो कमा रहा था वो मेहनत से नहीं कमा रहा था, लेकर के आ रहा था, तो उसके लिए वो चीज़ फेंकनी भी आसान थी। लेकिन जब उसने मेहनत करी, थका, तो उसको एहसास हुआ कि मेहनत की कमाई क्या होती है, और उसको उसने कुएं में फेंकने से मना कर दिया। समझ गए आप? हम जब मेहनत से कुछ करते हैं तब हमें अपने इस चीज़ का एहसास होता है कि मेहनत क्या होती है, पैसा कैसे कमाया जाता है। अब आप इसके प्रश्न उत्तर देखिए। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? उत्तर, पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। प्रश्न नंबर 2, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? उत्तर, क्योंकि वह रुपया उसे आसानी से मिला होता था। प्रश्न नंबर 3, बालक ने
अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। रिक्त स्थान भरे। बेटा के पास जाकर लगा, किसके? माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ? उत्तर, क्योंकि अंतिम दिन घर में ना तो उसकी माँ थी और ना ही बहन जो उसे पैसे दे सके, अतः उसे मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। प्रश्न नंबर 3, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया, इसके बदले में उसे 4 आने मजदूरी मिली। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? बेटा आलसी और कामचोर था। जब पहले 2 दिन सेठ ने उसे कुछ कमाकर लाने को कहा तो उसने अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर ला दिए, लेकिन उस दिन माँ और बहन घर पर नहीं थी। वे मेहनत करना नहीं जानता था। वह उस दिन पैसा कैसे कमाए, क्या काम करे, यही सोचकर वह दिन भर उदास बैठा था। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे? सेठ जानता था कि बालक आलसी और कामचोर है, उसे मेहनत का सबक सिखाना आवश्यक है, अतः उसने उसे अपनी मेहनत से पैसा कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ और बहन के पैसे लेकर आया तो सेठ के कहने पर उसने आसानी से उन्हें फेंक दिया, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई तो वह उसे फेंक नहीं सका। उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा, बताओ? अनुभवी पिता जानता था जब तक पत्नी और बेटी घर में है तब तक उसका पुत्र किसी ना किसी बहाने उनसे पैसे लेता रहेगा और उनको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। बेटे की गर्दन और कमर पैर क्यों दुखने लगे थे? बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी, एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया था, जिससे थकान के कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखिए। दुख, सुख, जल्दी, देर, रात्रि, दिवस, जीवन, मृत्यु। ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।